हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे पास मेट्रो कंपनी का 220 हैमर है। जब इसको हम दोस्तों हम होल करते हैं तो ये हमारा होल नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसको देखेंगे, तो चलिए हम इसको आपको चलाकर आपको दिखा देते हैं। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं, अभी हमने होल किया है लेकिन ये हमारा होल नहीं हो रहा है। ये बहुत ही कम होल हुआ है और दोस्तों आप देख सकते हैं। अब हम इसको खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप भी सीख सकें और अपने से अपने हैमर बना सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कवर लगा रहता है, तो हम छोटा सा स्क्रू ड्राइवर की मदद से दोस्तों इस कवर को हम हटा देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक लॉक लगा रहता है, तो इसको भी हम दोस्तों छोटा सा स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम लॉक को ऊपर निकाल लेंगे। अभी हमारा लॉक दोस्तों निकल गया है। फिर उसके बाद कवर को निकाल लेंगे, या वॉशर है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा बॉल है, छर्रा, तो इसको भी हम निकाल लेंगे और स्प्रिंग भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा आगे का निकल गया है। अब हम दोस्तों इस नाप को भी हम बाहर निकालेंगे। अभी दोस्तों ये हमारा नाप भी बाहर निकल गया है। अब दोस्तों यहाँ पर चार स्क्रू लगे हैं, तो इस चार स्क्रू को दोस्तों खोल लेंगे हम। उसके बाद दोस्तों इस कवर को दोस्तों हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों एक पेपर ले लेंगे हम। पेपर के ऊपर दोस्तों सारा इसका पार्ट्स हम निकाल लेंगे और इसको सारा हम पार्ट्स अच्छे से हम देखेंगे कि दोस्तों हमारा कोई पार्ट्स खराब तो नहीं है। तो दोस्तों इस गियर को भी देख लीजिए, यहाँ से गियर कट जाता तो ये हमारा ख़राब हो जाता, लेकिन ये अभी हमारा ये अच्छा है। और इस बैरिंग को भी दोस्तों आप देख लीजिए, इसमें प्ले तो नहीं है, तो अभी हमारा ये प्ले नहीं है अभी। उसके बाद दोस्तों ये छोटा सा गियर है, इस गियर को भी हम देख लेंगे कि इसका गियर तो दांत तो नहीं टूटे। तो अभी हमारा सब कुछ सही है, तो हमारा फॉल्ट दोस्तों इस पिस्टन में है, क्योंकि ये दोस्तों पिस्टन के अंदर फंसा हुआ है और ये हमारा बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि दोस्तों ये इसका ग्रीस सूख गया, तो इसलिए ये दोस्तों फंस गया है। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा अभी बाहर निकल गया है। इसके पिस्टन के अंदर दोस्तों ग्रीस हमारी सूख गई थी, इसलिए दोस्तों ये हमारा फंस गया था, इसीलिए दोस्तों ये हमारा जंपिंग भी नहीं कर रहा था। उसके बाद दोस्तों कपड़े से हम दोस्तों पिस्टन को अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे। और हम इस ओरिंग को भी हम चेक कर लेंगे, तो ये हमारा दोस्तों ओरिंग सही है। अब हम इस दोस्तों पिस्टन में ग्रीस लगा देंगे अच्छे से, और हम इसमें ऑयल भी डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से हम दोस्तों फिट कर देंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर गड्ढा है, तो यहाँ पर हम ग्रीस लगा देंगे और इस छर्रे को हम यहीं पर लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों ये छोटा गियर लग देंगे और ये हमारी बैरिंग है, तो इस बैरिंग को गियर में लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों ये हमारा पिस्टन है और पिस्टन के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा दो वॉशर है, तो इसको बगल बगल कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों इसको बैरिंग के अंदर पिस्टन में लगा देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हम ऐसे लगाएंगे। अभी हम बाहर से लगा रहे हैं, इसके बाद दोस्तों हम अंदर को लगाएंगे।
इस हैमर में दोस्तों हमने कोई भी पार्ट्स नहीं लगाया है, इसमें हमने दोस्तों सिर्फ सर्विस किया है। तो दोस्तों हमने सर्विस करके अपने से पैसा बचाया है, ऐसा ही दोस्तों आप भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारी हैमर दोस्तों रेडी हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम चला कर आपको दिखा देते हैं।